हेलो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या दे रखा है यहाँ पे। जी मैम, साइन थीटा प्लस सॉरी इक्वल टू कोस थीटा। देखिए, साइन थीटा की जगह मैंने साइन थीटा लिख रहने दिया, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा जब इधर आएगा तो वो किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में। तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू 90, देन थीटा इक्वल टू टू जो है वो इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो टू से जब हम कैंसिल करेंगे इसको, तो टू से 45 बार में ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 45। यानी कि जो हमारा एंगल है वो कितना आ गया, 45। अब देखिए, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, टू टेन थीटा प्लस कोस का थीटा। हम इसको लिख लेते हैं ना, टू टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे टू की जगह पे टू टेन, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 45। तो हमें यहाँ पे रख दिया टू 45 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 45। हम देखिए, टू टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, हम जानते हैं टेन 45 की वैल्यू 1, प्लस में कोस स्क्वायर यानी कि कोस 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। हम देखिए, 2 × 2, 1 का स्क्वायर 1, देन √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। देन इसी को आगे यदि हम करते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 = 1, और हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 2। इसको थोड़ा सा हमने और आगे सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/2। तो ये गाइस, ये हमारा आंसर रहेगा।